जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिम्बिका जी ऑल इन वन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैक्मी 925 सीसी क्रीम के सभी शेड्स के बारे में। जानेंगे कि कौन सा शेड परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो गलत शेड पिक कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, समटाइम हमारा जो मेकअप है या तो वो काला हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट दिखता है, जो कि बिल्कुल फेक लगता है। इसकी जगह अगर आप सही शेड पिक करते हैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, अपनी रंगत के अकॉर्डिंग, तो वहीं आपका मेकअप जो है बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस लगता है। ये इंस्टेंट आपको फेयर, ब्राइटन अप एंड नेचुरल लुक देता है, क्योंकि फ्रेंड्स इट्स अ मिक्सर ऑफ फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर, कंसीलर, इवन ये प्राइमर का भी काम करता है। ये एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको इतने सारे मेकअप की नीड ही नहीं होगी। लेकिन 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 इसको यूज करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था लैक्मी 925 सीसी क्रीम को लेकर, जो वीडियो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और आपके बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन भी मुझे आए थे, जहां मैंने कमेंट सेक्शन में आप सभी को रिप्लाई भी किया है। तो उसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सीसी क्रीम को लेकर आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसको कैसे लगाना है, फाउंडेशन के साथ लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, ऑल स्किन वाले इसको लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, एक्ने प्रोन स्किन के लिए कैसा है, डेली बेस पे इसको यूज कर सकते हैं, एज अ नाइट क्रीम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन थे ये मैंने एक एक पेज के यहाँ पर लिख कर रखे हैं, और इन सभी का मैं इसी वीडियो में रिप्लाई करूंगी। इसीलिए मैंने इस वीडियो को चार पार्ट में डिवाइड किया है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो प्लीज देख लेना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं सीसी क्रीम को लेकर, कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, मतलब जो भी सारी चीजें होती हैं वो सारी क्लियर हो जाए। इसीलिए मैंने वीडियो को चार पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि सीसी क्रीम होती क्या है, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे इसके सभी शेड्स के बारे में, जो भी इसके शेड्स हैं, चारों शेड हैं, और कौन सी स्किन के लिए कौन सा शेड परफेक्ट है और आपको कैसे सही शेड पिक करना है, ठीक है। थर्ड में मैं आपको इसका पूरा डेमो दिखाऊंगी, पूरा एप्लीकेशन इसको अपने अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे लगाना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको उसको लगाने का तरीका नहीं पता है तो वो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये एक कंप्लीट मेकअप है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं तो अगर ज्यादा लगा लेते हैं तो जो आपका फेस है बहुत ज्यादा फेक लगता है, तो उसकी कितनी अमाउंट लगानी है, नाइट में कैसे लगाना है, डे में कैसे लगाना है, वो सब कुछ मैं क्लियर करूंगी। एंड जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें मैंने आप सभी के क्वेश्चन लिए हैं, जिनको मैं ऑलरेडी इन शॉर्ट में आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप इंट्रो बहुत बड़ा हो गया है, तो मूव ऑन करते हैं वीडियो की तरफ। सीसी क्रीम मेन कॉम्प्लेक्शन करेक्टर और कलर करेक्टर, फ्रेंड्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ इट्स अ कंप्लीट मेकअप, क्योंकि प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर ये सभी का ऑल इन वन सॉल्यूशन है। फ्रेंड जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंट ये आपकी स्किन को फेयरर, ग्लोइंग एंड स्मूथ बेस देता है, और साथ ही ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि ये आता है SPF 30 PA++ के साथ में, जिसकी वजह से क्या है कि ये आपकी स्किन को सन रे से यानी कि सूरज की किरणों से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी टू अप्लाई है, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं पूरा डेमो आपको दिखाऊंगी इसको कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा मेकअप तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि सबसे पहले जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप के जो स्टेप होते हैं, सबसे पहले हम प्राइमर लगाते हैं, देन हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उसके बाद हम फाउंडेशन लगाते हैं, एंड जो हमारे चेहरे के जो दाग धब्बे हैं बहुत ज्यादा है, जो हाइड नहीं होते तो उनको हाइड करने के लिए हम कंसीलर का यूज करते हैं, देन अपने मेकअप को सेट करने के लिए हम कॉम्पैक्ट का यूज करते हैं यानी कि फेस पाउडर का यूज करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में अगर आप इतना मेकअप करते हैं तो अगर दिन में स्पेशली इतना मेकअप करते हैं तो बहुत सारी मेकअप की जो लेयर होती हैं वो सनलाइट में विजिबल होती हैं और वो अच्छी भी नहीं लगती है, आपका चेहरा बहुत ज्यादा फेक भी लगता है। और मैं तो आपको बोलूंगी इतना मेकअप करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतना ज्यादा मेकअप करते हैं तो उससे पता है क्या होता है, स्किन खराब होती है। फ्रेंड्स उसका एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस क्रीम को यूज करें, आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, आप ऑफिस जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं तो दो मिनट में ये मतलब लग जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगी कि सभी को इस क्रीम को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। बस गलती यही नहीं करनी है आपने कि जो शेड है वो आपको आपके स्किन टोन के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा शेड परफेक्ट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स इस
क्रीम में चार शेड अवेलेबल हैं और ये जो क्रीम आती है एक 30 ग्राम में आती है, एक 9 ग्राम में आती है। जो 30 ग्राम में आती है उसकी कॉस्ट 275 समथिंग है एंड जो 9 ग्राम में आती है वो 99 रुपीज की आती है। तो ये आपकी बजट फ्रेंडली भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस शेड की, जो कि मेरा खुद का भी शेड है। फ्रेंड्स, ये जो शेड होता है ये होता है फेयर टू वेरी फेयर स्किन के लिए। जिन लोग की स्किन गोरी है या बहुत ज्यादा गोरी है, ये शेड उनके लिए होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड हम बात करेंगे ब्रोंज शेड की। फ्रेंड्स, ये जो शेड होता है ये होता है फेटेस्ट टू, यानी कि मीडियम स्किन टोन के लिए। आपकी जो कलर है वो मीडियम है, यानी कि गेहुआ कलर है, ना गोरा है ना काला, तो आप ब्रोंज शेड के ले सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे फ्रेंड्स हनी शेड की। तो हनी जो आता है, जो हनी शेड है वो आता है बीट टू डस्की स्किन के लिए। आपकी जो स्किन है वो गेहुआ कलर की है या फिर थोड़ी सी आपकी स्किन डार्क है, तो आप हनी शेड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ जो हमारा शेड आता है वो आता है आमंड शेड। तो फ्रेंड्स, ये जो शेड होता है ये स्पेशली डस्की टू डार्क स्किन के लिए होता है। आपकी स्किन सांवली है या बहुत ज्यादा सांवली है तो ये जो शेड होता है आपकी स्किन के लिए परफेक्ट है। तो आप जब भी शेड लेंगे तो आप ध्यान इन पॉइंटों का ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से ही आपने शेड लेना है। लेकिन समटाइम क्या होता है फ्रेंड, जो बेस शेड होता है वो जिन लोगों की स्किन विटिस है, यानी कि मीडियम स्किन टोन है, ना गोरी है ना काली है, उस पर भी सूट करता है। तो अगर आप पे बेस शेड सूट करता है तो डेफिनेटली आप बेस शेड भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज के बाद शेड्स को लेके आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे डेमो की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगी कि इसका एप्लीकेशन, इसको कैसे लगाना है। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के पास आके दिखाती हूँ। मेरे फेस पे ये जो कुछ पिंपल के मार्क है, अभी मुझे कुछ पिंपल आए थे ये, तो अभी आप इसकी कवरेज देखना कि कितनी अच्छी कवरेज है। तो सिंपल आपने इस तरह से लेना है क्रीम को, बहुत इजी है, इस तरह से आप लेंगे। एंड अमाउंट आप देख रहे हैं, इतनी अमाउंट काफी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। सिंपल आपने लेना है और जहां पर भी आपको डार्क स्पॉट्स है तो वहां पर आप थोड़ी ज्यादा अमाउंट में लेंगे। अभी हम एक बार लगा लेंगे फिर दोबारा अप्लाई करेंगे, अगर हमें लगता है कि हमें अभी जो हमारे मार्क्स हैं वो हाइड नहीं हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल इस तरह से डॉटेड में इसको पूरे फेस पे, अपने ओवरऑल फेस पे आपने अप्लाई करना है। एंड अपनी फिंगर टिप से ही हम इसको ब्लेंड करेंगे। हम यहाँ पर किसी भी मेकअप ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ, फिंगर टिप से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, आप कोई भी मेकअप लगाते हैं, कोई भी फाउंडेशन लगाते हैं, तो मेन चीज जो होती है वो ब्लेंडिंग ही होती है। अगर आपने सही से क्रीम को ब्लेंड नहीं किया है तो फिर आपका फेस जो है कहीं से काला कहीं से गोरा लगेगा, इवन स्किन टोन आपकी नजर नहीं आएगी एंड नेक एरिया को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करने से क्या होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से आप करिए, फिर इससे आपका जो बेस है वो बिल्कुल स्मूथ होगा। इस तरह से आप लगाएंगे। और अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, आपको अपनी काले दे रहे हैं, तो आप स्क्रीन को दोबारा ले लेंगे और इसको आप इस तरह से अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, मतलब एक इंस्टेंट ही आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा फेयर दिखाता है, आप देख सकते हैं। और ये जो मेरे मार्क पे आपको दिख रहा होगा कि ये भी अब नजर नहीं आ रहे हैं। बट जब भी कोई क्रीम लगाते हैं तो आप ब्लेंड अच्छे से कीजिए। आप कई बार आपके पास ऐसे रह जाता है तो वो फेक लगता है और नेक पे तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला जो मार्क है ये बिल्कुल अभी मुझे पिंपल हुआ था, तो बिल्कुल कहते हैं ताजा वाला है, तो ये हाइड नहीं हुआ है। तो उसके साथ क्या करेंगे, क्रीम को दोबारा लेंगे इस तरह से। एंड जहां जहां आपको लगता है कि आपको भी हाइड कभी चाहिए तो वहां पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लगा देंगे इस तरह से। एंड फिंगर से आपने इसको टैप कर देना इस तरह से, इसको आपने स्पेडिंग नहीं करनी, बिल्कुल इस तरह से टैप कर देना है। तो आप देखेंगे ये आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा जैसे आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, अपनी आंखों के नीचे इस तरह से अप्लाई करेंगे। हम इसको ऐसा कंसीलर यूज कर सकते हैं ना, इसकी डबल शेड हम ले रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे इसको और इस तरह से आप इसको टैप टैप कर लेंगे, तो ये आपको काफी अच्छी कवरेज देता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ये डे टाइम में आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसको यूज करेंगे एंड नाइट टाइम आप इसको यूज करें तो आप इसकी ज्यादा क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कवरेज इसकी आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी कवरेज है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही ज्यादा आपको पिगमेंटेशन है, बहुत ही ज्यादा आपको डार्क स्पॉट्स हैं, तो उस केस में आपको फाउंडेशन एंड कंसीलर का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है और इसकी जो अमाउंट है वो बहुत ही कम लेनी है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज्यादा फेक लगता है। अभी मैंने डबल इसलिए ली थी क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से आपको आपके डार्क स्पॉट्स हैं या आपके चेहरे के निशान हैं कुछ छिपाना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और काफी ज्यादा फेयर आपको दिखाता है, इंस्टेंट ग्लो भी देता है, आप ग्लो देख सकते हैं मेरे फेस में। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अब आपके क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन है कि इस क्रीम को लगाने से कुछ साइड इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो क्रीम है ये ऑल स्किन सुटेबल है। बट हाँ, एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो यही नहीं, कोई भी क्रीम आप लगाते हैं
तो उससे पहले आप पैच टेस्ट जरूर करें। कोई भी क्रीम या कोई भी फेस पैक आप लगाते हैं तो पैच टेस्ट का मीन होता है थोड़ी सी क्रीम आपने लेनी है और आपने यहाँ पर लगा करके छोड़ देना है। 1.5 से 2 घंटे के बाद आपने चेक ये करना है कि आपको किस तरह की कोई इरिटेशन या रेडनेस तो नहीं है। अगर नहीं है दैट्स मीन ये जो क्रीम है आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन बी यूज एनी ऑल शेड ऑफ लैक्मी 91cc क्रीम। तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कर चुकी हूं कि शेड तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप कलर शेड लेते हैं तो आप जो रिजल्ट आप चाहते हैं इस क्रीम से वो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको बिल्कुल राइट शेड आपको लेना है जो कि आपकी स्किन टोन से मैच हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द सीसी क्रीम फॉर स्पेसिफिक स्किन टाइप। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो स्किन जो क्रीम है ये सभी स्किन के लिए है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज लैक्मी 91cc क्रीम इज ऑयली। नो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, काफी स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या सीसी क्रीम ऑयली स्किन वाले लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो क्रीम है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सभी के लिए है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, आपको ऐसा लगता है, तो आप इसके बाद थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यानी कि फेस पाउडर आप लगा सकते हैं। अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा है, या फिर जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। एक क्वेश्चन और था इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया है, ड्राई स्किन वाले लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली ड्राई स्किन ऑयली स्किन सभी लगा सकते हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है किसी की स्किन क्या होती है बहुत ज्यादा ड्राई होती है या बहुत ज्यादा ऑयली होती है, तो उस केस में आप थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इससे पहले कोई भी अपना मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, या इस क्रीम में दो या एक सिर्फ एक ड्रॉप आप ग्लिसरीन मिक्स करके लगा सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लैक्मी 95cc क्रीम को हम फाउंडेशन की तरह लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इसको फाउंडेशन की तरह लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों का मिक्सचर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनफैक्ट आपको ऐसा लगता है कि आपको हाई कवरेज चाहिए, क्योंकि इसकी जो कवरेज है मैं आपको बता चुकी हूँ ठीक ठाक कवरेज देता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो उस केस में इसकी जो कवरेज है इतनी अच्छी नहीं है। तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि इसको अपने फाउंडेशन में मिक्स करके आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इस क्रीम को फाउंडेशन से पहले लगाना है या बाद में लगाना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आंसर दे दिया है। क्रीम को हमेशा पहले लगाते हैं, फाउंडेशन को बाद में लगाते हैं, लेकिन आप चाहें तो क्रीम और फाउंडेशन को दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको लगाने से पहले प्राइमर लगाने की जरूरत है या नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ये जो क्रीम है इसमें सब कुछ होता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, पर्सनली आपने मेरे से पूछा है, तो प्राइमर लगाना बहुत अच्छी आदत है। तो कोई भी आप क्रीम लगाते हैं तो उससे पहले आप प्राइमर लगाते हैं तो आपका मेकअप बहुत अच्छा आता है, साथ ही आपकी स्किन को भी जो प्राइमर होता है वो प्रोटेक्ट करता है। तो आप डेफिनेटली प्राइमर लगा भी सकते हैं अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इस क्रीम को हम डे क्रीम की तरह यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इस क्रीम को एज अ डे क्रीम यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट करता हुआ है कि क्या इस क्रीम को हम एज अ नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नो, आपको इस क्रीम को एज अ नाइट क्रीम बिल्कुल भी यूज नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मैं चीज क्लियर कर दूं, आप दिन में भी इसको लगाते हैं तो रात में आपको अपना फेस जो है अच्छे से क्लीन करना है, देन आप जो भी अपना मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो लगाइए, या फिर आप मेरे से पूछे तो मैं हमेशा एलोवेरा जेल लगाती हूँ। इस तरह की क्रीम को बिल्कुल भी लगा के आपको नहीं सोना है। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं कर सकता, आप पपाया जेल ले सकते हैं या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता है, बट इस क्रीम को लगाकर, ऐसी किसी भी क्रीम को लगाकर आपको नहीं सोना है और नाइट क्रीम की तरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आई होप सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है या किसी भी पॉइंट में आपको ऐसा लगता है कि मैंने क्लियर नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करती हूँ। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें, लाइक के कोई पैसे नहीं लगते हैं और बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन लाइक से होता है क्या है, लाइक से मुझे मिलती है ढेर सारी मोटिवेशन आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। तो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बी पॉजिटिव बी हैप्पी, टिल देन बाय बाय।